हेलो गाइस, आई एम अभिलाष मिश्रा, कंप्यूटर ट्रेनर। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उस पर कमेंट करें। किसी टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उस पर भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की जो वीडियोस है, मैं आपको उसे कहूंगा कि कंप्यूटर के अंदर की जो मेमोरी होती है, ये रैम और हार्ड डिस्क, दो तरह की मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल मेमोरी जो होती है, जो हमारी रैम कहलाती है, ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। और हमारी एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो उनको हम कंप्यूटर में देखते हैं तो कैसे देखते हैं? जैसे हम कोई भी नया लैपटॉप को परचेज करते हैं तो हमें उनमें क्या देखना जरूरी होता है? तो हमें रैम देखनी होती है, हार्ड डिस्क देखनी होती है और उसका प्रोसेसर देखना होता है। तो आइए मैं आज उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ कि रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक दबा के रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रैम कैसे देखते हैं और प्रोसेसर, तो जो कंप्यूटर आ रहा है हमारी स्क्रीन पे, इसको हमने राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपने देखा होगा एक वो खुल के आ रहा होगा। तो देखो, इसे हम बोलते हैं टास्क, टास्क खुल के आगे देखो उस पे सबसे ऊपर आ रहा है, देखो प्रोसेसर लिखा हुआ, ये आ रहा है देखो प्रोसेसर लिखा हुआ। तो प्रोसेसर एडीएम का मतलब क्या है? एक एडीएम जो होता है वो है इसकी जो प्रोसेसर है वो ग्राफिक्स में होता है। तो इसमें ग्राफिक्स जो है वो 2.20 GHz में है। तो इसका ये क्या है? प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? जो इसका सीपीयू होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो प्रोसेसर होता है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस, मतलब वो है कि इसका रैम कितना, मतलब इसका कितना प्रोसेसर है, कितना इसका दिमाग है, वो सारी चीजें होती है। अगली चीज आती है दूसरी में, देखो इसमें लिख रहा है इंस्टॉल्ड मेमोरी, ब्रैकेट में रैम लिख रहा है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम मैक्सिमम इंस्टॉल्ड मेमोरी। का मतलब क्या है कि कोई भी कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो किसकी मेमोरी पे जाके इंस्टॉल होते हैं? तो वो रैम की मेमोरी पे होते हैं। तो देखो इसमें 2 GB की रैम लग रही है, सही है, इसमें 2 GB की रैम है। और इसमें मतलब ये 2 GB की रैम हो, टाइप ऑफ 32 बिट की इस पर विंडो चढ़ी हुई है। तो ये है, तो ये तो रहा आपके कंप्यूटर की, हमें प्रोसेसर देखना और रैम देखना। अब बात करेंगे, अब मैं इसको टैब को क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को कैसे देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा माई कंप्यूटर पर आके, फिर उसके बाद मैनेज जो आ रहा है, मैनेज पे क्लिक करूंगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद एक मेरा टैब खुल के आएगा, अभी खुलता है टास्क, अभी खुल आ रहा है, अभी आपको टास्क शो होगा स्क्रीन पर और आप देखेंगे। हाँ देखो, कंप्यूटर मैनेजमेंट के नाम से एक टास्क खुला हुआ। तो इसमें देखो नीचे आकर लिख रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ हमारी जो डिस्क है उसको हम मैनेजमेंट को भी देखेंगे कि हमारी डिस्क की कितने पार्टीशन कर रखे हैं और कौन कौन से पार्टीशन में कितनी कितनी हमने GB के वो बना रखे हैं। तो देखो यहाँ पे खुल के आ गई, देखो सी लोकल डिस्क जो है वो हमने 60 GB की बना रखी है, डी जो है हमारी वो 150 की है और ई हमारे 250 GB की है। तो यहाँ पे आ रहा है 465.76 GB। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उसको बताना ना भूलें। और मेरे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस के नाम से होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियोज़।